ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येषां तु अन्तःगतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पर्सन्स हू हैव एक्टेड पायसली इन प्रीवियस लाइव्स, हिंदी में कर देता हूँ मैं सीधा ना, जिसने अपने पिछले जन्मों में पुण्य किए हैं और जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, वो द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाता है और फिर मेरी सेवा में दृढ़ रूप से संलग्न रहता है। संलग्न समझते हो ना, नियुक्त रहता है, लगा रहता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, जिसके पाप खत्म हो गए, जिसके पुण्य उदय हो जाते हैं, वो मेरी सेवा स्ट्रांग होके करता है। जिसके पाप हैं उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा सेवा करना। ऐसा नहीं है कि पाप भक्ति को रोकते हैं, मगर पाप हमें रोकते हैं भक्ति करने से, उसमें अंतर है। भक्ति को पाप पुण्य नहीं रोक सकते, मगर हमें रोक देते हैं करने के लिए। जैसे आप खाना खा सकते हो, ऐसे आप बहुत आप खाना खा लो, प्रोटीन खा लो, ये ना, और लस्सी बस्सी पी लो तो स्ट्रांग हो जाओगे ना। लस्सी दूध दही घी दबा के खाओ, स्ट्रांग हो गए। मगर अगर आप लस्सी दूध दही घी दबा के खा रहे हो, स्ट्रांग नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? शरीर को नहीं लग रहा है ना, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, वहाँ नहीं है। तो ऐसे भक्ति को पाप नहीं रोक सकते, पाप हमें रोकते हैं भक्ति करने के लिए। पाप भक्ति की शक्ति को कम नहीं कर सकते, पाप हमें रोकते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब करते हैं, भक्ति कर ही नहीं पाते। दूध घी खाने से आप स्ट्रांग हो गए, मगर अगर आपका माइंड आउट होगा, खाओगे ही नहीं तो कैसे स्ट्रांग होगे, है ना? या खा लोगे शरीर को लगेगा नहीं तो कैसे स्ट्रांग होगे? सो ऐसी आप भक्ति तो कर लोगे, हरे ऐसी करते हो ना, कर लोगे, कर सकते हो, अच्छी से भी कर सकते हो, हरे कृष्णा, मगर वो भक्ति आपको लगेगी नहीं अगर आपका माइंड में पाप होगा। समझ गए? इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, जिसके पाप खत्म हो चुके हैं वो उसकी भक्ति आगे बढ़ती है, वो दृढ़ता से कर पाता है। पाप होंगे तो आप दृढ़ता नहीं आएगी, दृढ़ता मतलब स्ट्रांग ना, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आप करते रहोगे, आप कहोगे क्या यार मैं अच्छी तरह तो कर रहा हूँ, मंगल आरती भी जा रहा हूँ, चैंटिंग भी कर रहा हूँ, रीडिंग भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी क्या है, मतलब भक्ति में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्यों? पिछले जन्म के पाप आ चुके। इस पाप में अपराध भी इंक्लूडेड है। पाप में दो तरह के कैटेगरी हैं, एक है पाप और एक है अपराध। सो पाप मतलब दूसरे लोगों के प्रति हमने कुछ किया है, मारा पीटा झूठा। अपराध मतलब वैष्णव के प्रति और भगवान के प्रति, तो वो अपराध ज़्यादा रोक देते हैं। और जिसके पुण्य उदय हो चुके हैं पिछले जन्म के, पुण्य होंगे तो भक्ति करना आसान हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड शांत रहेगा, पाप से अशांत होता है, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, सो जो ऐसा जिसके हो जाएंगे वो द्वंद्व में वो डिस्टर्ब नहीं होगा, शमन शांत रहेगा और मेरी भक्ति दृढ़ता से करेगा। दैट्स द होल आइडिया। अब इसके ये एक मतलब है, इसका दूसरा मतलब है, अभी प्रभुपाद पे आ जाऊँगा। दूसरा मतलब है, भगवान कह रहे हैं शांत अंत कथा पापम, जिसके पाप खत्म हो गए। ये पाप कौन से पाप हैं? सो जनरली कुछ आचार्य लिख रहे हैं, ये पाप साधारण पाप नहीं है, ये पाप वैष्णव अपराध है, जिससे भक्ति स्पीड स्लो हो जाती है हमारी, वैष्णव अपराध से। और ये पुण्य, पुण्य आ गए, पुण्य कौन से हैं? पुण्य वैष्णव सेवा, तो उससे भक्ति बढ़ जाती है। तो अब वैष्णव सेवा पुण्य कैसे है आप कहोगे, है ना? वैष्णव सेवा भक्ति है। अगर वैष्णव सेवा बिना जाने हुए करो, अनजाने में कर दो, तो पुण्य बन जाते, समझ गए? तो स्पेशल पुण्य है भक्ति सुकृति, अनजाने में कर देते हैं हम। तो जैसे किसी के घर साधु आ गए, आपने उसको कुछ प्रसाद कुछ खाना दे दिया, तो आपकी भक्ति सुकृति बन गई। तो एक एंगल है पुण्य को देखने का, भक्ति सुकृति, ये एक एंगल है। ये दूसरा एंगल है श्लोक को देखने का, तो वो भक्ति दृढ़ता से कर पाएगा। क्लियर है ना?
तीसरा एंगल है श्लोक को देखने का, यहाँ पे पुण्य क्या है, पुण्य श्रवण कीर्तन, जिस जो श्रवण कीर्तन कर रहा है इस जीवन में, और जिसके पाप खत्म हो गए। पाप क्या है, पाप है अनर्थ, अल्टीमेटली अनर्थ ही तो पाप को जन्म देते हैं। जिसके अनर्थ खत्म हो गए और जो श्रवण कीर्तन सही से कर रहा है, वो दृढ़ता से मेरी भक्ति कर पाएगा। ये तीसरा एंगल है श्लोक को देखने का। अलग अलग एंगल बता रहा हूँ मैं, अलग अलग जो कमेंटेटर्स कह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एक पॉइंट है, भगवान कह रहे दृढ़ता से भक्ति कर सकता है, भगवान ही नहीं कह रहे भक्ति कर सकता है। भक्ति में तो कोई भी आ सकता है, जिसके पाप हैं, अपराध हैं, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पुण्य भी नहीं है। मगर दृढ़ता से, स्पीड से करने के लिए भगवान बता रहे हैं। टॉपिक स्पीड से करना है, टॉपिक करना नहीं है, कर तो कोई भी सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता नहीं है, आगे बढ़ने के लिए। ये तो अगर कोई पूछता है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ें, ये श्लोक बोल सकते हो आप। आपको श्लोक ही बोलना है तो ये बोल दो, भक्ति में आगे कैसे पढ़ें 7.28, फिर एक्सप्लेन कर दो बस। अपने पाप कम करो, पाप क्या मैंने बता दिए, पुण्य करो, पुण्य क्या है एक्सप्लेनेशन वो बता दी, तो भक्ति स्पीड से कर पाओगे बस, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया, ये तीन एक्सप्लेनेशन है, और कुछ हो सकती है एक्सप्लेनेशन? क्यों, ओके, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, लेट्स रीड। Those eligible for elevation, देख लो प्रभुपाद लिख रहे हैं, those eligible for elevation to transcendental position are mentioned in this verse. प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए योग्यता क्या है, वो इसमें बता रहे हैं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए नहीं बता रहे योग्यता। प्रवेश तो शराबी कबाबी भी आ सकता है, नहीं? अगर कोई शराबी आए मंदिर में और वो कहे मुझे भक्ति करनी, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बेबड़े भाग जाए से? प्रभुपाद ने सारे हिप्पियों को ले लिया, कोई भी आ सकता है इस भक्ति के मंदिर में, कोई भी आ सकता है। हाँ, मंदिर में रहकर रह कौन सकता है और आगे कौन बढ़ेगा, उसके लिए योग्यता है। फॉर दोज वाज सिनफुल एथिस्टिक फुलिश एंड डिसीटफुल वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसेंड डिजायर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्यूअलिटी ऑफ हेट एंड डिजायर। देख रहे हो आप, जो लोग पापी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं और कपटी हैं, प्रभुपाद चार चीज़ें लिख रहे हैं, उनके लिए राग द्वेष से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। राग द्वेष से नहीं निकलेंगे तो मन, नाम में मन नहीं लगेगा, नाम में मन नहीं लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है? सो आप बोलोगे यार पाप करने से प्रॉब्लम क्या है, भक्ति की स्पीड क्यों कम होती है? भगवान कह रहे हैं ते द्वंद्व मोह, राग द्वेष में फंस जाता है आदमी गंदे काम करने से, फिर माइंड में वही घूमेगा ना, घूमेगा नहीं घूमेगा, फिर चैंटिंग क्या करोगे, मन ही नहीं लगेगा। तो चार तरह के लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है भक्ति, मतलब भक्ति में आगे बढ़ना। एक तो पापी, नहीं मतलब अगर आप गंदी चीज़ें देखोगे तो वही माइंड में घूमेगा, फिर क्या करोगे आप? दूसरा एथीस्टिक, नास्तिक, नास्तिक कैसे चैंटिंग करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, हरे कृष्ण नींद ही आ जाएगी। और मूर्ख, मूर्ख भी नहीं कर सकता। मूर्ख मतलब क्या है यहाँ पर, मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन है, ये बच्चे हैं क्या है? मूढ़ा ना भी जानती, प्रभुपाद लिख रहे हैं मूर्ख कौन है जो शरीर के स्तर पे है, वो सिर्फ शरीर के लिए जीता है, वो मूर्ख है। मेटेरियलिस्टिक पीपल, हो सकता है वो आस्तिक हो मगर मूर्ख है, शरीर के स्तर पे जी रहे, मूर्ख। और डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब क्या होता है, कपटी। ये चार लोग भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, असंभव है। क्यों नहीं बढ़ सकते, आपका क्यों नहीं बढ़ सकते? चलो नास्तिक तो बढ़ेगा ही नहीं, मूर्ख जो शरीर के सर पे वो भी नहीं बढ़ेगा, हाँ जो कपटी है हो सकता है बढ़ जाए, पापी है वो भी चलो क्या है, करते करते बाप खत्म हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि वो राग द्वेष से बाहर नहीं निकल पाएगा जल्दी जल्दी, स्पीड कम हो जाएगी बहुत। कभी हमारा मन हेट करेगा, कभी अट्रैक्ट होगा, तो मन क्या लगेगा बताओ फिर? सिंपल है, मतलब लॉजिकल है, नहीं लॉजिकल है ना? तभी भगवान कह रहे थे द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता,
जिसके पाप खत्म हो गए, पुण्य आ गए, वो द्वंद्व से निकल जाएगा। द्वंद्व से निकल गया तब वो मेरा भजन दृढ़ता करेगा, क्योंकि मन लगेगा ना फिर। समझ गए? और कौन है मूर्ख? मूर्ख कौन है? एक तो ये हो गया शरीर के स्तर पे। दूसरा पता है मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो मंदिर में आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है और फिर सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। उसको सब कुछ मिल गया, उसको फिर सोच रहा है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या कर रहा हूँ मैं, है नहीं? प्रभुपाद कह रहे हैं इज़ अ ग्रेटेस्ट फूलिश पर्सन। मतलब नदी के पास आ गया और पानी देख रहा है और कह रहा है मुझे प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। मूर्ख है नहीं है ये? ग्लास, पानी का ग्लास पकड़ा, प्यास लग रही है मुझे, प्यास लग रही, प्यास लग रही, प्यास लग रही है। क्या कहेंगे, पागल है क्या? तो यार अब भगवान के पास आ गए, मंदिर में आ गए, भक्ति में आ गए, फिर भी क्या हो रहा है, क्या करें, पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या? खाना मिल रहा है, भक्ति कर लो। जब तक यहाँ से अंदर जा रहा है, तब तक यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक हो बस आप, चैंटिंग करते रहो, सब फिट है, समझे? यही यही लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी भगवान देखेंगे क्या पागल बनती है। मगर जो राग द्वेष में वो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होगा तो गलत डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन लेगा तो और डिस्टर्ब होगा, अपने को ही एक होल के अंदर घुसा देगा। ओके, तो इंग्लिश में कहा था डाउन द रैबिट होल, सुना है? कहते हैं दलदल दलदल, अपने आप को दलदल में और घुसता जाएगा और घुसता जाएगा, पागल हो जाएगा वो। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। तभी भगवान कनेक्ट कर रहे हैं द्वंद्व को, पाप को, पुण्य को कनेक्ट कर रहे हैं वो। ओके, ओनली दोज पास देयर लाइव्स इन प्रैक्टिसिंग, जिसने अपने जीवन भक्ति के नियमों को पालन करने में लगाया है, जिसने पुण्य, जिसने अपना जीवन पुण्यवान जिया है और जिसने पाप खत्म कर दिए हैं, वो ही भक्ति करके ग्रेजुअली राइज टू प्योर नॉलेज, धीरे धीरे भगवान के ज्ञान तक पहुँच सकता है, अदरवाइज नहीं पहुँच सकते। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? देन ग्रेजुअली दे कैन मेडिटेट इन ट्रांस ऑन, फिर धीरे धीरे वो समाधि में जा सकता है। और समाधि में जाओगे क्या जब चैंटिंग में ही मन भाग रहा है? कैसे होगा बताओ? आप सोच रहे हो मैं समाधि में चला गया, चैंटिंग मन लग रहा है, वो नहीं लग रहा, भाग रहा है, तो समाधि कहाँ की है? That is the process of being situated on spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness and association of pure devotees. शुद्ध भक्त का रहने से ये पॉसिबल है। शुद्ध भक्त कौन है वो मुझे नहीं पता, मगर शुद्ध भक्त का रहने से पॉसिबल है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शुद्ध भक्त कहाँ मिलेगा संसार? प्रभुपाद तो चले गए। अब शुद्ध भक्त मतलब तो चलो डिबेटेबल टॉपिक है, बट क्या सन्यासी शुद्ध भक्त है? पता नहीं। क्या सीनियर डिवोटी शुद्ध भक्त है? पता नहीं। क्या जूनियर डिवोटी शुद्ध भक्त है? पता नहीं। तो शुद्ध भक्त के एसोसिएशन में आप आगे बढ़ जाओगे, बट शुद्ध भक्त को पहचानना कैसे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो आपको पता नहीं लग सकता, क्योंकि चोरी चोर को पहचानता है, नहीं एक शुद्ध भक्ति दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान पाएगा, आप नहीं पहचान पाओगे। तो फिर क्या करें, शुद्ध भक्ति के संग कैसे लें? जब पहचान ही नहीं पाओगे तो कैसे लोगे बताओ? एक डिबोटी का मेरे पास मेल आया था, तो कह रहा था प्रभु जी मैं उन डिबोटी से, मेरे सीनियर हैं, मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ, उनके अंडर हूँ 3 साल से, वो बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, मगर अभी एक लड़की को लेके भाग गए हैं, तो फिर भी मैं उनके अंडर रहना चाहता हूँ क्योंकि शुद्ध भक्त हैं वो। अब यू कैन इमेजिन आदमी का दिमाग कैसे चलता है। सो क्या करें? शुद्ध भक्त का एक्चुअली गुरु महाराज उनसे मिले थे आपके जतिशेखर रघु, जब भक्तियंत बाइबल लिख रहे थे ना, ऐसे मैं डिस्कस करता महाराज से, तो महाराज कहते हैं जतिशेखर प्रभु से मिला। जतिशेखर प्रभु भक्ति सांद्र ठाकुर के वन ऑफ द सीनियर डिसाइपल थे, द ओनली लिविंग डिसाइपल उस टाइम, बाकी सारे चले गए, बहुत बूढ़े थे। तो जतिशेखर प्रभु से महाराज ने पूछा कि आप फिर एसोसिएशन कैसे लेते हैं? नहीं,
तो उन्होंने कहा एसोसिएशन है कहाँ संसार में, दैट वॉज हिज कंक्लूजन, कहाँ मिलेंगे शुद्ध भक्त। सो क्या करें फिर, आंसर क्या है इसका, क्या करें जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, वो विक्रम बता नहीं था वरना मार दूंगा जल्दी बोल क्या है। चलो आप कह रहे शुद्ध भक्त नहीं मिला है तो एटलीस्ट जो हमसे एलिवेटेड है उनसे कर ले, ठीक है, ये ऑप्शन है। मगर मैं कह रहा हूँ अगर शुद्ध भक्त नहीं मिल रहा तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त के संग में ही होगा, तो कैसे करें फिर, तो जुगाड़ हो गया ना फिर तो। सो इसमें क्या है, इसमें आपको शुद्ध भक्त की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर प्रभुपाद का स्टेटमेंट रखना है आपको शुद्ध भक्त की डेफिनेशन चेंज करने की, शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्त वो है जिसका गोल क्लियर है और जो शुद्धता से कोशिश कर रहा है वो शुद्ध भक्त है बस। तो उस सेंस में तो आपको कई डिवोटीज मिल जाएंगे जो सिंसियरली कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फॉल्ट्स हैं, गलतियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे करना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, तो उनके यहाँ रहो तो आप भी आगे बढ़ जाओ। और ये कॉमन सेंस है, पता है, इसमें कोई शास्त्र नहीं चाहिए। भैया मान लीजिए अगर आपको किसी माउंटेन पे चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पे, तो आपके फ्रेंड्स गए तो कोई एक्सपर्ट नहीं है आपके पास, मगर एक फ्रेंड है, कहता है मुझे आता है यार थोड़ा बहुत, तो कहेगा मैं चढ़ता हूँ, वो चढ़ रहा है, कहता है अबे आ जा आ जा आ जा, तो आप भी देख के चढ़ जाओ, उसको उत्साह है, वो चढ़ रहा है, उसको थोड़ा बहुत आता है, तो आप भी कहो यार मैं भी चढ़ता हूँ, तो आपको देख के एलिवेशन तो हो ही रही है ना आपको उसको देख कर, एक्सपर्ट नहीं बनोगे मगर चढ़ तो रहे हो ऊपर, तो उसको भी शुद्ध भक्त माना जाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि वो करता रहेगा तो एक्सपर्ट बन जाएगा, वो तो करता ही रहेगा क्योंकि उसको शौक ही है चढ़ने का, एक्सपर्ट ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो वो भी ट्राई कर रहा है फसल रहा है, तो आप उसके साथ एटलीस्ट गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, फिर आप भी कहोगे तू ट्राई क्या कर रहा है मैं भी करूं, बस ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाओगे। अगर कोई एक्सपर्ट मिल जाए तो चलो बात ही क्या है, मगर एक्सपर्ट के साथ भी रह के क्या हुआ लोगों का प्रभुपाद ने 5000 शिष्य बनाए, कितने रह गए, 100-200 रह गए, बाकी गिर गए। भक्तिजान ठाकुर के कितने डिसाइपल्स हैं, सब छोड़ के चले गए, काफ़ी छोड़ के चले गए, सब तो नहीं, मेन तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट मिल जाए तो बेटर ही है, एक्सपर्ट ना मिले तो भी ठीक है। बेसिकली गुरु पे डिपेंड नहीं होता ज़्यादा, ज़्यादा शिष्य पे डिपेंड होता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से ही दूर से सीख लिया था, तो डिसाइपल कैसा है वो आगे बढ़ जाएगा, वो सीख लेगा, तो समझ गए। तो शुद्ध भक्त की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रभुपाद की बातें कटेंगी। तभी तो ऋत्विक आ रहा है, ऋत्विक फिलॉसफी आई क्यों है, दिस एलिवेशन इज पॉसिबल कृष्ण कौन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। ओ इस कौन की जीबीसी सन्यासी सब धन है यार, हमें तो पता है उनकी पोल, ये कैसे संग करें, प्रभुपाद कह रहे एलिवेशन नहीं हो सकती, तो भैया छोड़ दो वो सब, चंटू हैं हमारे टाइम के तो थे, हिप्पी थे, वो सोता रहता था, अभी सन्यासी बन गया, जानता हूँ उसकी औकात, ऋत्विक फिलॉसफी बता रहा हूँ, यह तो क्या बकवास है, शुद्ध भक्त कहीं नहीं है तो ठीक है, तो बस सीधा प्रभुपाद को मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, वो लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। इसलिए ये फिलॉसफीज आती हैं क्योंकि प्रभुपाद की बात, तो हमें प्रभुपाद की बात रखनी है तो कैसे करें, चलो ठीक है वो कह रहे हैं शुद्ध भक्त नहीं है, एक ऑप्शन है कि इस शुद्ध भक्त तो हैं इस कौन में या जो भी है संस्था में सन्यासी और ये जी शुद्ध भक्त हैं, एक ऑप्शन ये है, ठीक है, मगर ये ऑप्शन थोड़ा नियोफाइट्स के लिए है जिनको काफ़ी टाइम हो गया, उनको पता है वेल शुद्ध भक्त हैं भी और नहीं भी, क्योंकि थोड़ा डाइसी है, ज़रूरी नहीं है सब सन्यासी शुद्ध भक्तों, मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्त की, यहाँ पे शुद्ध भक्त का मतलब है एट द लेवल ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर और वैसे प्रभुपाद, वो तो है नहीं हमें पता है, तो फिर क्या कैसे एक्सप्लेन करें, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शुद्धता से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जाना चाहते हैं भगवान के पास, तो ठीक है एसोसिएशन ठीक है उनकी कर लो, समझ गए। एटलीस्ट जो पहाड़ पे चढ़ना चाह रहा है, एक्सपर्ट नहीं है, जुनून है उसको चढ़ने का,
एटलीस्ट उसके साथ रह के एक चीज़ तो होगी, आप पहाड़ पे चढ़ना छोड़ोगे नहीं, इतना तो हो जाएगा, वो तो चढ़ेगा, एटलीस्ट आप फिर ट्राई करते रहोगे, बस ये है। ओके सो हमें प्रभुपाद की स्टेटमेंट्स ना बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती हैं, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है अगर दिमाग लगाओ, अगर बिना दिमाग लगाए पढ़ो तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, फिर तो पढ़ लो। हाँ ठीक है, शुद्ध भक्त के संग, ठीक है भैया हम सब शुद्ध भक्त हैं, मैं भी शुद्ध भक्त हूँ, संग कर लो, ये भी शुद्ध भक्त है, अच्छा है, शुद्ध भक्तों की बात नहीं मानोगे तो अपराध होगा, निकाल देंगे आपको, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं हम, समझ रहे मतलब ये सब चीज़ें हैं। इट इज सेड इन श्रीमद् भागवतम दैट इफ वन एक्चुअली वांट्स टू गेट लिबरेटेड इट मस्ट रेंडर सर्विस टू डिवोटीज, अगर आप भक्ति, अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए और संसार के लोगों से संग छोड़ना चाहिए, ये तो क्लियर है नहीं, असत संग त्यागे वैष्णव आचार। तो भगवान इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं पुण्य कर्मणाम, असली पुण्य क्या है जिसने साधु संग किया है, असली पाप छोड़ना क्या है जिसने असाधु असत्संग छोड़ा है, ये डिफाइन कर रहे हैं, इसके पाप खत्म हो गए जिसने असत्संग छोड़ दिया, इसके पुण्य जागृत हो गए जिसने सत्संग ले लिया, ये एक और डेफिनेशन है इसकी जो प्रभुपाद दे रहे हैं, समझ गए। सो दैट्स ऑल, चलो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, भजनते माम दृढ़ वृत, धीरे धीरे ऐसे करने से हमें अपना स्वरूप पता लग जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, संसार से कुछ लेना देना नहीं है, फिर राग द्वेष खत्म हो जाएगा और कन्विंस हो जाओगे मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण के गुणगान करने, उनकी सेवा करनी, उनको खुश करना, उनका मुझे संगी बनना है, हमारा टारगेट है उनका संगी बनना, तो आपको दृढ़ता आ जाएगी, यस हाँ मैं यही करूँगा, दैट्स ऑल। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, दूसरा और तीसरा मतलब आपने बताया था कि वैष्णव प्राग और वैष्णव से दूसरा और अनर्थ और श्रवण की थी तीसरा पाप पुण्य, पहला क्या दूसरा क्या बताया था, वैष्णव प्राग और वैष्णव सेवा, हाँ पहला तो पहला जनरल पाप है, जनरल चोरी चकारी है सब, हाँ और क्या, और क्या चोरी चकारी करने से पाप आएगा, वो भक्ति की शक्ति को थोड़ा ना कम करेंगे, हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा, हम नहीं कर पाएंगे उसको, किसे नहीं कर पाएंगे भक्ति को, लेकिन भक्ति में तो शक्ति है ना, वो तो हमें शक्ति देगी, वो उसकी शक्ति में, या जब चार्जर लगाओगे नहीं सॉकेट में तो कैसे आएगा चार्ज, अच्छा तो हम इतने कमजोर पड़ जाएंगे, वो चैंटिंग ही मन नहीं करेगा करने का, वो पड़ा रहेगा फिर नहीं हो पाएगा, बस ये किसका, कमजोर पड़ जाएंगे ना जब पाप आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, कमजोर पड़ जाते तो क्या करते हो आप, जब जब शरीर कमजोर हो जाता है तो क्या करते हो लेटने से कमजोरी खत्म हो जाएगी, कुछ खाओगे ना खाना वाना, दवाई खाओगे खाना खाओगे कुछ तो करोगे, कमज़ोरी आएगी, जब कमज़ोर हो रहे हो तो क्या सॉल्यूशन है, अगर खाना भी ना खा पाओ दवाई भी ना खा पाओ तो क्या करोगे, इसे हेल्प मांगोगे, यार कमज़ोर हो रहा हूँ मदद कर दे, बस यही है, जब आपके जब नहीं कर पाओ तो डिवोटी से हेल्प मांगो, प्लीज़ हेल्प मी, वो करवा देंगे, मैं कहूँ उसके लिए आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, हर एक से तो नहीं बोल सकते ना आप, ये इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है भक्ति में, इसके फ्रेंड्स नहीं है वो गया काम से, कमज़ोर तो पड़ेगा ना कभी भी, गिर जाएगा वो, सारे डिवोटीज़ गिरते इसलिए ही हैं, सारे डिवोटीज़ का बैंड इसलिए बचता है क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं होता जिनसे वो शेयर कर पाएँ, अब फ्रेंड है तो लड़ाई भी होगी, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ वॉर, सुना, तो ऐसा कोई डिवोटी होना चाहिए जिससे आप लड़ रहे हो और जैसे आप बातचीत कर रहे हो तो वो सही है, सिर्फ बातचीत कर रहे हो वो फ्रेंड नहीं है, इससे लड़ाई भी हो रही है कि हस्बैंड वाइफ में पुच्ची भी होती है और लड़ते भी, तो वो संबंध होता है, अगर अगर मान लीजिए सिर्फ
अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ सिर्फ घूमते रहें, लड़ाई नहीं हो, तो रिलेशनशिप बनेगा? तो फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, मतलब वो सो ये बात है। तो जिससे आपकी फ्रेंडशिप है, जिससे आप खुल के बोल सकते हो सब कुछ, मतलब बिना डरे बिना छुपाए, ऐसा कोई होना चाहिए, अदरवाइज़ तो भैया गए काम से, बड़ा मुश्किल है। और ऐसा भी होना चाहिए, आपको लाइफ में कुछ लोगों की सेल्फलेस सेवा करनी चाहिए। आप करोगे ना तो मुश्किल के समय वो आपकी हेल्प करेंगे, समझे? यही है ना। अगर आप नहीं करोगे किसी की, है ठीक है चलता है मैं अपने में रहूँगा, सब गंदे हैं, सब गंजे साले, मैं भी गंजा हूँ, घूम रहे हैं ऐसे ही टकले होकर, भक्ति भक्ति है नहीं, आप ऐसे चलोगे तो क्या होगा, जब आपको प्रॉब्लम आएगी वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे, फिर क्या करोगे आप? अगर आप उनकी हेल्प करोगे जब आप सही हो, जब वो मुश्किल टाइम में आ जैसे भी, तो फिर वो कहेंगे यार हमें भी करनी चाहिए नेचुरली। सो ये बात होती है, तब हम बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचेंगे। क्या कहने ना जैसे इसमें श्लोक में आया कि दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने की बात हो रही, तो साधक के जीवन में कैसे उसको समझ सकते हैं कि जिसको कहा जाएगा कि वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगा हुआ है, व्यवहारिक रूप से क्यों देख लो उसको, देखो सही लंबे समय से कोई भक्ति कर रहा है, मुखा प्रसादात, सालों साल मुखा प्रसादात, उसके शब्दों से पता लगेगा कि वो दृढ़ है या नहीं, देखने से ऐसे पता नहीं लगेगा, उससे बात करके पता लग जाएगा कि वो किस लेवल पे है। देखने से तो नए भक्त भी बहुत स्ट्रांगली करता है, शब्दों से पता लगेगा, और पता लग जाएगा हाँ यार ये सही है, उसके शब्दों में अनुभव होगा, कि शब्दों में उत्साह होगा, उसकी शब्दावली में उत्साह होगा। शब्दावली समझते हो? शब्दावली शब्द समझते हो, फर्क है शब्दावली शब्द में, समझ रहे हो ना? कैसे एग्जांपल कैसे दूं, जैसे मान लीजिए अगर उसके शब्दों में उत्साह है तो क्या बोलेगा कि भक्ति करनी चाहिए, करनी चाहिए, हाँ भक्ति करनी चाहिए, ऐसे बोलेगा या पूरा वहाँ करके भक्ति करनी चाहिए? हाँ ओके, यस उत्साह है, उसके शब्दों में उत्साह है, मगर जो और जो एडवांस्ड होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनकी शब्दावली में होता है, शब्दावली में चॉइस ऑफ वर्ड्स उनके अलग होते हैं। वो ये नहीं कहेगा भक्ति करनी चाहिए, क्या है ये तो ये बहुत लो ठस है, वो ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा भक्ति शांता की ठाकुर की तरह, जिसमें प्राण है उसको भक्ति करनी चाहिए। वाह ये भैया ये क्या कह दिया इसने, समझ गए? तो उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स, तभी सुखदेव गोस्वामी क्या है, तभी तो व्यासदेव लोग सुनने आए हैं, सुख मुखाद अमृत द्रवासी उत्तम, उनके जो मुख से जो अमृत, वो अमृत क्या था, उन्होंने वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जो कि अंदर घुस गए, वो वर्ड्स किसी ने यूज़ ही नहीं किया आज तक जो उन्होंने यूज़ किए हैं। उन्होंने कहा भाई ये शब्द इसके लिए भी हो सकता हूँ, माय गॉड। प्रभुपाद भी स्पेशल इसलिए हैं, प्रभुपाद ने वो वर्ड कभी यूज़ ही नहीं किया, कृष्ण कौशल टेक्निक है, टेक्निक ये तो वर्ड यूज़ ही नहीं किया, तो सीधा अंदर घुसता है वो, पता लगता है अरे रियलाइज्ड है, तो शब्द की चॉइस से पता लगता है, शब्द में पावर है, उससे शायद पूरा पता नहीं लगेगा। प्रभुपाद के तो दोनों में था, पापा कहते थे वन शुड डिवोट सिंसियरली, कैसे बोलते थे प्रभुपाद, बलराम बताएगा, बलराम इमिटेट कर लेते, कैसे करते हैं आवाज़ में, इसके इमिटेशन अच्छी है ना, बताओ ना कैसे, ऐसे हमारे प्रभुपाद बोले वन शुड बी वेरी सीरियस इन डिवोशनल सर्विस, कैसे बोलेंगे? एक बार आप कुछ बोलो ना, हाँ ऐसी है क्या है, वन शुड बी वेरी सीरियस इन डिवोशनल सर्विस, यही है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सो उसमें पावर है ना, शब्द में भी है और शब्दावली भी है, तो मुखा प्रसादात आप पहचान पाओगे उसके शब्दों से और शब्दावली से, अरे नहीं पता लगेगा।
कोई जो न जो तो तो जो जो नए भक्त को बोलो साहब पे बोलना है, कैसे बोलेंगे? हाँ तो भक्ति करनी चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, है ना? प्रभुपाद ने सारे रूल्स दिए हैं, अच्छी तरह पढ़ो प्रभुपाद की बुक्स, अच्छी तरह फॉलो करो, यही होगा और क्या बोलेगा वो? मगर जो इसको रियलाइज है वो ये नहीं बोलेगा, उसको पता है ये गंदा है, ये क्या है, ये जो कोई भी बोल दे वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो भक्तिशान ठाकुर की तरह बोलेगा। प्राण आछे जार सही तो प्रचार, जिसमें प्राण है वो प्रचार करे, जो जिंदा है वो भक्ति करे उत्साह से। उत्साह ही जीवन है, उत्साह ही प्राण है, उत्साह नहीं है तो भक्ति एक मरी हुई लाश की तरह। उसके शब्द अलग होंगे ना, आप कहोगे अबे हाँ ऐसे पता लगता, आपको नहीं पता लग सकता कोई भी, ऐसे ही है बस। सेल्फ रियलाइज का मतलब क्या है? एक तो सेल्फ रियलाइज हो गया जो जो आत्मा के स्तर पे है एज पर ज्ञानी योगी, एक सेल्फ रियलाइज हो गया जो आसक्ति स्तर पे आ गए, जिसको अपना धीरे धीरे स्वरूप रिवील होना शुरू हो रहा है या प्रेम स्टेज पे भाग शुरू हो। तो हम किस सेल्फ रियलाइज की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन एक बैंड है, बैंड एक पॉइंट नहीं, एक बैंड है। मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, वो तो हो ही रहा है, तो हमें भी सेल्फ रियलाइजेशन है, मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। फिर जैसे जैसे हमें अपना स्वरूप दिखाई देगा तो परिपक्व होती रहेगी सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम भी पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पे, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है बट मैच्योर नहीं है, ये अंतर है बस। सेल्फ को रियलाइज तो कर ही रहे ना एक लेवल पे कि मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, आत्मा हूँ भाई। और इसलिए तो सेंस कंट्रोल कर पा रहे हम, वरना कैसे कर पाएंगे? थोड़ा बहुत सबको हो रहा है मगर मैच्योर पक्का हुआ नहीं है, बस इतना है और कुछ नहीं। तो एक बैंड है, एक लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक पॉइंट नहीं है कि इस पॉइंट पे मैं सेल्फलाइज हो गया, उससे पहले सब जीरो है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही और समझना, वो कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी इनकम्प्लीट है, मतलब थोड़ी तो है ना। आप सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइज्ड में अलग है। सेल्फ रियलाइज्ड वो गया जो आप कह रहे हो प्रभुपाद और हमें सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइज नहीं हम, या हम सेल्फ रियलाइजिंग है अभी कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइज्ड पूछोगे तो एक पॉइंट है ऐसे ही। और कुछ कहना है? सोचना हो गया। ज्ञानी योगी की भाषा में सेल्फ रियलाइज उनके इसमें कौन है? इसका पता चल गया मैं आत्मा हूँ बस, उनके उसमें तो जीवित स्वरूप है कृष्ण, बस यही मैं आत्मा हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। तो बिना कृष्ण को सरेंडर किए उनको 100% रियलाइज हो जाता है? 100% तो नहीं कहेंगे मगर उनके हिसाब से जितना है वो है, एटलीस्ट उनको ये पता लगता है मैं शरीर नहीं हूँ, क्लियर। ज्ञानी होगी बैठ जाते हैं, शेर आके पैर खा के पता ही नहीं लगा वो क्या है वो, फिर बिना भगवान की शरण पॉसिबल है वो? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने दिया। प्रोसेस तो वेदों से ही लाए हैं, इसका उनको क्रेडिट मिला है इसलिए काम कर रहे हैं। भगवान ने जो प्रोसेस दिया वो फेल तो हो नहीं सकता, इसलिए वो काम कर जाएगा। तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली भगवान को मान रहे हैं, ये भगवान के प्रोसेस को मान रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बज्रकाश में रूल्स फॉलो कर रहा है तो हमें मान रहा है अथॉरिटी को, चाहे हमें पर्सनली ना माने, मतलब ये कह सकते हैं आकाश वकाश हाँ बज्रकाश में नियम अच्छे हैं सब अच्छा है, बट भक्ति से अंतर रास का अलग गंद है यार, नियम ठीक है वो फॉलो कर लेंगे, मैं बंदा बकवास है तो ठीक है। एक सेंस में हम रखेंगे उसको यहाँ पर क्योंकि बात रूल्स फॉलो कर रहा है। तो अज्ञानी ऐसे ही होते हैं, कृष्णा कृष्णा बकवास निराकार है, हम अगर प्रोसेस सही है यार बताया बंदे ने
योग की चर्चा की, उद्धव से ये सही है, तो ठीक है भगवान कहते हैं चलो अभी मेरी बात मान रहे हैं, कुछ तो कल्याण है, इसलिए और कुछ नहीं। अरे तो क्या है, करते रहो, मतलब जैसे कुछ मिनट वो पूछते हैं फिर बोलते हैं कि टाइम लगेगा, वैसा क्या करेंगे, मतलब वो पाप अपराध ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, मतलब कैंटिंग वैसे चलते रहे। भैया इसका एक ही हल है जो मैं मना करता हूँ, बट प्रे कर लो, प्रे प्रे पी आर ई वाई नहीं पी आर ए वाई, अरे दूसरा प्रेम होता है तो प्रार्थना कर लो प्रभु, जब कोई रास्ता नहीं होता ना इंसान के पास श्रुता देव, तो भगवान हमेशा होते हैं, उनसे जाके बोल दो, वो सुनेंगे 100% सुनते हैं, मुझे अनुभव है सुनते हैं यार, ऐसा नहीं है, वो बात है कि जल्दी रिस्पॉन्ड ना करें क्योंकि उनकी अपनी विजडम है कब बोलना है क्या करना है, वो सुन रहे हैं अभी अभी भी सुन रहे हैं, आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम नदी के पास बैठ के भी कर सकते हो हे कृष्णा, वो भी करने की जरूरत नहीं है, आँख बंद करके भी कर सकते हो, बट आपको सिंसियरली बोलना पड़ेगा उनको, ये कर लो बस, ये रास्ता है और कुछ नहीं, बाकी थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, देखो इमीडिएटली तो नहीं होगा ना, वो तो है देखो, इसलिए भक्तों का संग चाहिए, इसलिए आपको मेरे साथ रहना है, मैं बोलूँगा आ जाएगा फिर रिस्पॉन्ड आ जाएगा, चलते रहोगे, मतलब कोई डिवोटी होगा ना जो उत्साह बना के रखेगा, वरना भक्तों के बिना तो उड़ जाएगा ना उत्साह, यार हो ही नहीं रहा कुछ, हो ही नहीं रहा, भक्त कहेंगे होगा होगा यार हमारे पे भी लेट आया था, चलते रहो तो हो जाएगा बस ये, और क्या करेंगे बताओ, है ना, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास, क्या करें, भक्ति नहीं करें तो क्या करें, जाके क्या कहाँ जाएं, मतलब शराब पिए कहाँ जाओगे बताओ, रंडी खाने जाएंगे कहाँ जाओगे, क्या करें, मतलब क्या मीट खा लें क्या, एथीस्ट बन जाएं क्या, भगवान को गाली देने लगे, मतलब अब वो तो कर नहीं सकते ना हम, कैसे करेंगे, लोग कर लेते हैं वैसे बट हाँ तो कुछ कर लेते हैं भोगी बन जाते हैं, ऐसे आता है, ऐसे ही होता है ना, ये तो मैं जो मैंने डायलॉग बोले हैं वैसे ही विचार आता है, वो सही डायलॉग बोले, मजाक नहीं कर रहा, यही यही मन करता है हमारा, बट चक्कर ये है ना कि अब हम इतने साल सुन भी लिए, अब ये कोई ऑप्शन तो है नहीं, ये तो फ्रस्ट्रेटिंग है ना, ये तो हमें पता है इसका एंड कहाँ है, हमें पता लग गया एंड कहाँ है, तो फिर अब बुद्धि कहती है यार क्या वहाँ भी नहीं है, तो ना वहाँ कर पा रहे हैं ना यहाँ कर पा रहे हैं, ये हालत है ना, तो क्या होगा फिर इसलिए भक्तों का संग चाहिए जो अंधेरे में उत्साह दे, जब जंगल में खो जाओगे ना और जब रास्ता नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाओगे, मगर कोई साथ में होगा हिम्मत वाला तो कहेगा नहीं यार मिल जाएगा चलते रहो मिलेगा, तो वो चलता रहता है फिर मिल जाता है अल्टीमेटली, है ना, ऐसे ही होता है ना, तो हिम्मत वाले चाहिए साथ में तो हो जाती हैं चीज़ें, राम मिलाए जोड़ी अंधा है कोड़ी तो क्या होगा, वो एक कहेगा मुझसे नहीं हो रहा यार मैं हो गया, दूसरा कहेगा यार मैं तो पहले ही पढ़ा हूँ, एक कहेगा यार सब बकवास है छोड़ो यार, वो भी छोड़ के चला गया हम भी निकल जाएंगे तू भी निकल जाए यहाँ से, फिर तो हो गया भैया काम, फिर तो ऐसे तो एसोसिएशन लेनी नहीं चाहिए, वो तो गंद है, वो खुद ही गड्ढे में जा रहा है दूसरों को भी ले जाएगा, होता है बहुत मंदिरों में ऐसे सीरियसली, अब थोड़े टाइम तक तो यहाँ भी थोड़ा बहुत पीपल आर समथिंग यू नो, हर टेंपल में एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे थे तो लगेगा यार सब जा रहे हैं हम भी जाएं, ठीक है कैसे होगा क्या होगा, तू भी निकल ले पतली गली से, मैं तो जा ही रहा हूँ अगले महीने सब, ये जो बुद्धि है अगर ये आ गई आपको, इसका मतलब भगवान की कृपा हट चुकी है, आप बहुत खतरे में पहुंच गए हो, तो ऐसे भक्तों का संग मत करो, ऐसे के साथ करो जो कहे भैया सब चले जाएं तब भी मैं करूंगा, समझे, तो जनरली सीनियर डिवोटी वही होते हैं, सीनियर जूनियर में फ़र्क क्या है,
शक्ल पे थोड़े ना उसके कोई लाइट आ रही है, मेरी शक्ल पे लाइट आ रही है क्या? बोल के लाइट है ही नहीं, ख़त्म हो गया तो बीमार हूँ मैं। बट शक्ल पे लाइट कहाँ होती है, फ़र्क यही होता है कि सीनियर डिवोटी सीनियर इसलिए क्योंकि चलता रहेगा वो, चाहे ऐसा हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता नहीं यार, तुम सब चले जाओ जाओ हम तो करते रहेंगे। ऐसे क्या संकर हो गए तो आप चलते रहोगे बस, और ये है और कुछ नहीं। सन्यासी यही तो है, सन्यासी क्या है, उसने डंडा पकड़ लिया और छोड़ दिया या गुरु बन गया, वो सन्यासी है जो अकेला चलता रहे बस। सन्यासी सत न्यास, जो सत के रास्ते पे चलता रहे चाहे कोई है नहीं है, उसके यहाँ रह के आपको उत्साह नहीं आ जाएगा तो भैया ये बंदा है यार हम भी चलते हैं, बस ऐसे। फिर ये है फ़र्क है, क्यों शुद्ध ठीक है ना, बस ऐसे ही है। हाँ भाई वो मूवी में सॉन्ग था ना, जीना यहाँ कैसे था, जीना यहाँ मरना कैसे था, जीना यहाँ मरना यहाँ, ऐसी ट्यून कैसे थी, हाँ मरना यहाँ ऐसे नीचे था ना, इसके सिवा जाना कहाँ, कौन था ऋषि कौन था इसमें, और जोकर बन के घूमता रहता था ना जोकर बन के ऐसे पिंग पॉन आके, जीना यहाँ मरना, मुझे याद आ गया वही वही सॉन्ग था। मतलब बहुत सही दिखाया था वैसे उन्होंने, बहुत सही बताया था, वो जोकर बन के गा रहा था, वो यहाँ लगाया हुआ था यहाँ लगाया हुआ था, फिर ऐसे जीना यहाँ मरना। तो मैंने जब सॉन्ग देखा मुझे बहुत फिलोसफिकल लगा वो, क्योंकि इतनी गहरी बात जोकर बन के कह रहा है, समझ रहे हो, मतलब वो अपना मजाक उड़ा रहा था कि मैंने ऐसे जी लिया कि मैं हमेशा जी रहा हूँ, मगर रियलिटी ये है कि भैया जीना भी है मरना यहाँ, इसके जीवन जाना कहाँ, हम फंसे हुए हैं, मगर ज़रूरी नहीं हम फंसे, अगर हम माइंड चेंज कर लें तो हम सिचुएशन चेंज कर सकते। इट वॉज अ वेरी फिलोसफिकल सॉन्ग, लोगों ने तो मजाक लिया है, बट मतलब वो सॉन्ग गा रहा है, वो जीवन का मजाक उड़ा रहा है जोकर बन के, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके जीवन कहाना कहाँ, फंसे हुए हैं भाई हम। सो इट बहुत सही था वो, तो भक्ति में भी ऐसे ही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, अगर ये माइंड में होगा ना तो आप कर लोगे और हेल्प भी आ जाएगी, हो जाएगा सब, ऐसे ही है बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, कौन पूछ रहा, श्रुता से पूछ रहा था ना, बस चलते रहो क्या है, अगर घर भी चले जाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये होगा मम्मी पापा मम्मी खाना बना के देंगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, बोलती रहेंगी बच्चे ठीक है मैं तेरे साथ, इमोशनल सपोर्ट मिलता है बेसिकली, है ना, तो भक्तों से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं तो भगवान से मिल जाएगा, भक्ति का मतलब ही इमोशनल सपोर्ट यार, भगवान से लेना, भक्ति का मतलब ही वो है भगवान से इमोशनल सपोर्ट लेना, इसी इंसान से नहीं, जिसने वो टेक्निक सीख ली वो निकल गया, अब हम ये करके कुछ और सोचते जा रहे हैं तो क्या है, भगवान से नहीं मिलता भक्तों से मिल जाता है, अगर बहुत सिचुएशन ख़राब है अल्टीमेटली फिर भगवान से कनेक्ट हो जाओ, हो गया बस ये है और क्या। पुरानी मूवीज़ देखनी चाहिए नहीं शायद, मतलब मैं नहीं कह रहा देखनी चाहिए, बट सॉन्ग्स अच्छे होते हैं उसके सॉन्ग्स कुछ सोच के बनाते थे पहले, नहीं वर्डिंग्स बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, वी लैंड अप हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।